ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ various nerves which controls the movement of visceral organs of our body। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमिक बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द विल ऑफ ए पर्सन। हमारी क्या इच्छा है? इट डज नॉट इन्वॉल्व द विल ऑफ द पर्सन। And the person is not aware of such movements। Next point आ जाइए। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS आप लिख सकते हो। ANS इज फर्दर डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां पे देखो जरा, सी हियर, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की मैंने बताया था कि कुछ स्पाइनल नर्व्स की ब्रांचेस जो है वो क्या बना रही है, पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? देयर आर प्रेजेंट, इसको हम कहते हैं सिंपथेटिक ट्रंक, दोनों तरफ है। और इसमें क्या प्रेजेंट है? यू नो, देयर आर ईच सिंपथेटिक ट्रंक कंसिस्ट्स ऑफ, इस तरह से करके देयर आर प्रेजेंट 21 चेन गैंग्लिया। और गैंग्लिया आपको पता है, व्हाट आर गैंग्लिया? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज प्रेजेंट आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये गैंग्लिया जो है ये क्या है? ये सेल बॉडीज है। कहां पे प्रेजेंट है? सीधे होके बैठो बेटा, आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां से किसी भी स्पाइनल नर्व की, ध्यान से देखो, ये स्पाइनल नर्व की ब्रांच आई है, इसको हम क्या बोलते हैं? बनाना बाद में, पहले समझना है। इसको हम कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक, गैंग्लिया से पहले गैंग्लियोनिक सिंपथेटिक नर्व फाइबर। ठीक है, ये देखो, इसने साइनेप्स किया, ये जो गैंग्लिया था सेल बॉडी, इसका डेंड्राइट है, ये स्पाइनल नर्व का फाइबर है, इसने इसके साथ साइनेप्स किया,
चेन गैंग्लिया से फिर एक नर्व फाइबर अराइज हुआ जिसको हम कहते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, यहां पे कोई विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है, दिस इज अ विसरल ऑर्गन, इट साइनैप्स विद द मसल और द ग्लैंड ऑफ द विसरल ऑर्गन। ठीक है, पहले ये बनाओ थोड़ा सा।